गुड इवनिंग. सो राइट नाउ नेशनल ट्रेवल इज इन द एलोपोजा, जिसको हम एलेपी बोलते हैं. बहुत ही प्यारी जगह है ये एलेपी. बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, यहाँ पे विजिट भी किया होगा. और आफ्टर लॉकडाउन और काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो गई है, एक तो यहाँ पे टूरिज्म अभी थोड़ा सा कम है. और मैं आज की डेट में जो कि 31 जनवरी 2021 को यहाँ पे आया हूँ, और आज मैं एक छोटा सा विजिट करूँगा और आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू और थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे और कैसी सिचुएशन है यहाँ पे. और मैंने एक प्राइवेट सी बोट है, इसको हायर किया है. और इस बोट का कुछ ड्यूरेशन रहेगा, 1 से 1.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटा हमें ट्रैवल करेगा, क्योंकि शॉप काफ़ी हो गया, दिन में हम आए नहीं. तो देखते हैं ये छोटा सा विजिट करके कैसा लगता है, क्योंकि मेरा ही फर्स्ट विजिट है यहाँ पे. आई होप अच्छा ही होगा. एलेपी एक फेमस प्लेस है केरला में, और इसकी एक जो बहुत ही स्पेशलिटी है वो है कि यहाँ पे जो बोटिंग है वो बैक वाटर में होती है, और काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए भी करवाते हैं, छोटे ड्यूरेशन के लिए करवाते हैं. बोट्स यहाँ पे छोटे से लेके और बिगर साइज तक, जो आप सामने देख रहे हो, जिन पे एक रूफ भी रहता है, और इनके अंदर काफ़ी सारी वेराइटी है. आप पर डे के लिए ले सकते हैं, पर आवर के लिए भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपन आपकी चॉइस कैसी है. ये है गाइस मेरे साथ जो क्रू है, जो मेरे को लेके जा रहे हैं. तो साथ में मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है, साथ में आप देख सकते हो सामने. और एक अच्छी बात क्या है कि इस टाइम पे मैक्सिमम लोग आ रखे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है तो मैक्सिमम टूरिज्म इस टाइम पे है यहाँ पे. ये बड़े वाले बोट आप देख सकते हो, जिनको हाउस बोट बोलते हैं, ये वो हैं इस तरफ. और ये काफ़ी आगे तक जाते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत दूर तक जाते हैं. सो फ्रेंड्स, अभी हो गया है यहाँ पे, हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा स्पेंड करते हुए इस बोट में. रियली में शाम का मौसम बहुत ही प्यारा है, एकदम मतलब ठंडी सी हवा है, और एक जो एक नेचुरल क्लाइमेट होना चाहिए. और तो आई थिंक एक बार विज़िट करना ही चाहिए लाइफ में. और थोड़ा सा केरला में एक चीज़ है कि जैसे मुन्नार के बाद अगर आप आते हो, मुन्नार के बाद एलेपी है, देन एलेपी के बाद आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा डायरेक्टली फिर त्रिवेंद्रम, जहाँ पे आपका कन्याकुमारी है. थोड़ा अगर देखा जाए टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी दूर हो जाता है, बट जगह और लोकेशन काफ़ी प्यारी है. तो अब हम थोड़ी देर बाद अंधेरा आ जाएगा तो रिटर्न बैक करेंगे. और ये जो बोट है, ये बोट का प्राइस हमें इन्होंने दिया है, हमने बोला था कि हमें बस थोड़ा सा वीडियो और थोड़ा सा आइडिया चाहिए तो वीडियो बनाने के लिए, तो हमने 1 से 1.5 घंटे की बात किया था. तो ये इन्होंने हमें बोला था 600 रुपीज़ फॉर 1.5 आवर. बाकी इंडिया में बार्गेनिंग तो चलता ही है हर जगह. सो आप भी आओ और एंजॉय करो इस जगह को. और ये पीछे है मेरे जो क्रू है बोट का, दो मेंबर हैं.
ओके ओके थैंक यू चेटा। बाइक पीछे है। तो गाइज अभी टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं। तो 1 घंटे का ट्रिप था, जब गए थे पूरा दिन था। अभी आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है, लाइट ऑन है। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे दे देना। थैंक यू, टेक केयर।